घोड़े की कीमत एक फॉर्चूनर की बराबर है, फॉर्चूनर खरीदोगे या घोड़ा खरीदोगे? घोड़ा खरीदेंगे, फॉर्चूनर क्यों खरीदेंगे हम सब? फॉर्चूनर में टायर पंचर होता है, ये सब घोड़ा हम सब कहीं पर भी लेके जाते हैं तो चार आदमी देखता है। फॉर्चूनर तो हम सब लगा देंगे जहाँ मनता है। इसका नाम जो है राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान है, बहुत स्पीड चलता है, 41-40-42 की स्पीड चलता है। घोड़ा जो है अभी तक 22 रेस जो है जीत चुका है, और बिना चाल का भगाना है तो 100 पार कर जाता है। इसका खुराक है भैया, दूध डेली मिलना है सुबह शाम दोनों टाइम, जई चना बजरा, और ठंडा का मौसम आ गया तो शुद्ध घी में हलवा मिलता है इसको। एक घोड़े को पालने में कितना खर्चा लग जाता होगा मेंटेनेंस की? कम से कम 50,000। 50,000 एक घोड़े? तीन घोड़े हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए जो मेंटेनेंस है वो बस जो है घोड़े को खाने पिलाने में चला जाता है। अगर इसका कीमत की बात की जाए, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। सुल्तान का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसको बेचना नहीं हम लोग के लिए, हम लोग के लिए परिवार के लिए लक्की घोड़ा है। हम तो करीब 15 साल से कर रहे हैं शौक, पहले हमारे भैया लोग करते थे, अब हम कर रहे हैं। बड़े पापा जो है शौकीन है, दो दो घोड़े पाल के रखे हैं। तुम कितना घोड़ा पाले हुए? हम आगे बढ़ा जनरेशन में देखेंगे, जो घोड़ा हिम्मत होगा उतना घोड़ा पालेंगे। नहीं मिलेगा ये भौड़ी, नहीं मिलेगा। एक आध लाख घोड़ा देखिएगा तो ये आपको मिलेगा जोड़ा। ये करोड़पति नहीं, मालिक करोड़पति बना दिया है तब से, इसीलिए इसको बेचना माना। करोड़पति बना दिया तभी तो 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। अभी तक 22 जो रेस है जीत चुका है। ये जो रेस जीता है वो नेशनल लेवल पे हुआ है या फिर बिहार में ही हुआ है? बिहार से बाहर हुआ, यूपी में जाके लड़े हैं, नेपाल में जाके लड़े हम लोग, नेपाल में भी जाके जीत गए जी। अच्छा, जब आपका घोड़ा जो है रेस जीतता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पूरे ऑल इंडिया में जानता है लोग, सारे लोग आपको जानते हैं। इसके कारण जानते हैं कि सुल्तान का मालिक कौन है, तो भाई रुद्र यादव है, यही सवारी करते हैं इसका है। कई रेस ये खुद अकेले जीते हैं। कौन कौन सा रेस जीता आपने इसको? इससे बहुत रेस जीते, नेपाल से लेके आपको बक्सर से लेके मोतिहारी, जहाँ जाता है तहाँ जीतते हैं। इतना का स्पीड दौड़ता है जब रनवे पे होता है तो? जैसे 40 पार तो इसे चाल में हाँकते हैं, जब सर पर छोड़ देंगे ना तो 100 से पार कर देंगे। 100 पार कर जाएगा? 100 पार को 25,000 मिलता है तनखा। अच्छा, आपको 25,000 तनखा। मोतिहारी रेस लड़ने गए तो घोड़ा फील्ड पर दौड़ रहा था, तो ये ट्रैक सूट पहन के घोड़ा को दौड़ा रहे थे, और जब घोड़ा पर से उतरे तो चादर ओढ़ के अपना आगे बैठ गए। अब सब लोग सवार खोज रहे हैं कि भाई घोड़ा का सवार कहाँ गए। हम बोले ये है नहीं तो बाबा है, बूढ़ा आदमी से घोड़ा नहीं चलेगा। रुके, बाबा चढ़ के दिखाते हैं। जब फिर चढ़े तो इनका इतना रुपया पड़ा था गिफ्ट में। आप 25 राउंड तक हंकते रह गए। ये घोड़ा जो लेगा एक फॉर्च्यूनर भी ले सकता है उसके बदले में, घोड़ा क्यों लेगा? घोड़ा इसलिए, देखिए अब अपना अपना शौक है आदमी को। हम लोग को इस तरह का सर्किल माहौल हो गया है, बिना घोड़ा का नहीं रह सकते हैं। घोड़े तो बहुत देखे होंगे आपने, पर मैं आपको एक ऐसे घोड़े दिखाने जा रहा हूँ जिसका खासियत जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पीछे जो देख रहा है घोड़ा जो है, इसका नाम जो है राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान है, और नाम से ही प्रतीत होता है कि इसका नाम के आगे राजधानी एक्सप्रेस लगा है। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही स्पीड भागती है, वैसे ही जैसे ये घोड़ा भागता है। घोड़ा जो है अभी तक 22 रेस जो है जीत चुका है, और कहीं ना कहीं इनका मालिक भी देख सकते हैं शान से खड़े, सीना चौड़ा करके खड़े हैं, क्योंकि इनका घोड़ा जो है 22 रेस जीत चुका है। सुल्तान जो है बहुत नाम कमा रहा है। अभी मैं सोनपुर के घोड़े बाजार में हूँ, और आपको भी पता है कि सोनपुर जो है घोड़ों के लिए कितना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान से घोड़ा आता है, और वैसे में एक घोड़ा आ चुका है जिसका नाम सुल्तान है, राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान। राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान नाम से प्रतीत होता है कि घोड़ा जो है स्पीड भागता होगा, बहुत स्पीड चलता है, 41-40-42 की स्पीड चलता है। अच्छा, जब पूरा स्पीड में रहता होगा तो कितना स्पीड में भागता होगा? चाल में जहाँ रेस होता है वहाँ 40-41 चलता है, और बिना चाल का भगाना है तो 100 पार कर जाता है। 100 पार कर जाता है जी। बताइए जरा, 100 जो है कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्पीड होता है, राजधानी भी 100 के आसपास ही भागती है। चाल में चलना है तो 100 पार कर जाता है। 100 में पार कर जाता है, लोग जो ऊपर बैठे रहते उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना, आँख से पानी गिरने लगता है, आँख से पानी गिरने लगता है। अब देखिए घोड़े की जो खासियत है यही है कि घोड़ा जो है बहुत ही मजबूत है, तंदुरुस्त है, और इसको खिलाया पिलाया मालिक ही है। आप पहले अपना नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम रुदल यादव हुआ, पटना सिटी घर हुआ मेरा। अच्छा, आप ये बात एक बार बताइए कि घोड़ा जो है बहुत ही मजबूत और तंदुरुस्त दिख रहा है, क्या कुछ खिलाते हैं इसको? इसका खुराक है भैया, दूध डेली मिलना है सुबह शाम दोनों टाइम, जई चना बजरा, और ठंडा का मौसम आ गया तो शुद्ध घी में हलवा मिलता है इसको, ड्राई फ्रूट के साथ बादाम गिरी भी मिलता है, अखरोट अंजीर सब दिया जाता है इसको। सारा चीज़ खिलाते हैं आप, डाइट जितना फ्रूट्स हैं सारा खिला देते हैं? गर्मी रहता है तो चना का सत्तू पीने को मिलता है, शहद मिलता है, शक्कर मिलता है, दूध गाय का मिलता है। अच्छा, घोड़े जो होते हैं शौक से पाले जाते हैं, आप इतने बड़े शौकीन हैं कि घोड़े जो है, एक आपका एक छप्पन है, एक के छप्पन है, वो भी कहीं ना कहीं नाम कमा रहा है, सुल्तान भी नाम कमा रहा है, इन घोड़ों का शौक कब से आया आपने? हम तो करीब 15 साल से कर रहे हैं शौक, पहले हमारे भैया लोग करते थे, अब हम कर रहे हैं। ऐसे में आप सुल्तान को ले आए घर,
सुल्तान मतलब कि जैसे कि अगर अगर इसका कीमत की बात की जाए, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसका कीमत क्या होगा, तो इसमें क्या बोलना है? सुल्तान का कोई कीमत नहीं है, चूँकि इसको बेचना नहीं हम लोग के लिए, हम लोग के लिए परिवार के लिए लक्की घोड़ा है। पूरा लक्की है? हाँ। क्या कुछ हुआ आपके घर परिवार में जब से घोड़ा आपके पास? बहुत विकास हुआ, जब से मेरे यहाँ आया बहुत विकास हुआ। अब ये घोड़े की कीमत एक फॉर्चूनर की बराबर है इनके और कहीं ना कहीं देख सकते हैं इनके घर का लड़का है। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्चूनर खरीदोगे या घोड़ा खरीदोगे? घोड़ा खरीदेंगे, फॉर्चूनर क्यों खरीदेंगे हम सब? हाँ। फॉर्चूनर में टायर पंचर होता है, ये सब घोड़ा हम सब कहीं पर भी लेके जाते हैं तो चार आदमी देखता है। हाँ। फॉर्चूनर तो हम सब लगा देंगे जहाँ बनता है। हाँ। ये पूरा यूपी बिहार में हम सबका नाम खिलाता है। हाँ। तो फॉर्चूनर क्यों लेंगे हम सब? हाँ। फॉर्चूनर हजारों आदमी पास है। हाँ। ऐसा घोड़ा कोई आदमी के पास देखने के लिए नहीं मिलेगा। लोग तो फॉर्चूनर ही ना खरीदेगा, घोड़ा थोड़ी ना खरीदेगा। तो खरीदे दीजिए ना, खरीदे वाला मना कोई कर रहा है? हम सब तो अपना शौक के लिए घोड़ा खरीद रहे हैं। आपके बड़े पापा जो है शौकीन है, दो दो घोड़े पाल के रखे हैं। तुम कितना घोड़ा पाले हुए? हम आगे वाला जनरेशन में देखेंगे, जो घोड़ा हिम्मत होगा उतना घोड़ा पालेंगे। अब देख सकते हैं ये घोड़ा है, और घोड़ा को थोड़ा सा दिखाइएगा। घोड़ा कहीं ना कहीं देखने लायक है, बहुत ही सुंदर घोड़ा है। और घोड़ा को देखिए, अभी जलेबी खिलाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं घोड़ा को परिवार की तरह रखा गया है, और बहुत ही मान दुलार के साथ ये घोड़ा को पाला जाता है, तभी ये अभी तक 22 जो रेस है जीत चुका है। ये जो रेस जीता है वो नेशनल लेवल पे हुआ है या फिर बिहार में ही हुआ है? बिहार से बाहर हुआ है, यूपी में भी जाके लड़े हैं। तो आपका घोड़ा जब जाके लड़े हम लोग नेपाल में भी जाके जीत गए जी। अच्छा, जब आपका घोड़ा जो है रेस जीतता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, देश में नाम होता होगा, पूरे ऑल इंडिया में जानता है लोग। हाँ। आपको जानते हैं लोग? हाँ, ऑल इंडिया जितना घोड़ा पालक है वो जानते हैं, सारे लोग आपको जानते हैं। हाँ, इसके कारण जानते हैं कि सुल्तान का मालिक कौन है, तो भाई रुद्र यादव है। हाँ। सुल्तान का मालिक जो कहीं ना कहीं पूरा फेमस है पूरे देश में, इसलिए क्योंकि सुल्तान कहीं भी जाता है रेस जीत के आता है। हाँ, इसीलिए जानते हैं। घोड़े रखे हैं? अभी दो है मेरे पास। दो घोड़े हैं? यहाँ दो है, एक घर पे है। तीन घोड़े हैं? अच्छा, एक घोड़े को पालने में कितना खर्चा लग जाता होगा, मेंटेनेंस की बात की जाए? कम से कम 50,000। 50,000 एक घोड़े पे? मंथली। तीन घोड़े हैं, 1.5 लाख रुपया। अब ये 1.5 लाख रुपया जो है घोड़े पे खर्चा कर देते हैं, अब जरा सोच सकते हैं। बड़े बड़े शौकीन तो आपने देखे होंगे, आजकल के शौक है फॉर्चूनर लेना, पर ऐसे में देख सकते हैं 1.5 लाख रुपया जो मेंटेनेंस है वो बस जो है घोड़े को खाने पिलाने में चला जाता है, क्योंकि शौक की बात है। कई रेस घोड़ा से यही जीते हैं, गोवर्धन बाबू हैं सवार। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अभी सवारी करते हैं इसका? यही सवारी करते हैं इसका, है कई रेस ये खुद अकेले जीते हैं। इनसे पूछिए कहाँ कहाँ जीते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन सा रेस जीता आपने इस घोड़े से? इससे बहुत रेस जीते हैं, नेपाल से लेके आपको बक्सर से लेके मोतिहारी, जहाँ जाता है तहाँ जीतते हैं। जीत के ही आता है? जीत। क्या खास बात है घोड़े में? घोड़ा चलने में है एक नंबर। कितना का स्पीड दौड़ता है जब रनवे पे होता है? जैसे 40 पार तो इसे चाल में हाँकते हैं, जब सर पर छोड़ देंगे ना तो 100 से पार कर देंगे। 100 पार कर जाएगा? 100 पार कर देंगे। अब सोच कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? वो तो अपना हाथ का तरीका है। हाथ का तरीका, अगर स्टेटर है, लगाम स्टेटर। अगर 150 पर भी जाएगा तो कांटा हमारा सही रहेगा। हाँ। ऐसे देखने में बुझाते हैं। हाँ। उम्र हमारा हो गया जानते हैं 65 साल। आप 65 साल के हैं? हाँ। और पूरा एकदम घोड़ा को जो है लगाम कस के रखते हैं एकदम, जो धर लेंगे तो फिर घोड़ा। मोतिहारी रेस लड़ने गए तो घोड़ा फील्ड पर दौड़ रहा था, तो ये ट्रैक सूट पहन के घोड़ा को दौड़ा रहे थे। अच्छा। और जब घोड़ा पर से उतरे तो चादर ओढ़ के अपने आग तर बैठ गए। हाँ। अब सब लोग सवार खोज रहे हैं कि भाई घोड़ा का सवार कहाँ गए। हाँ। हम बोले ये है नहीं, तो बाबा है, बूढ़ा आदमी से घोड़ा नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन फिर से इनको कहें कि रुके, बाबा चढ़ के दिखाते हैं। जब ये फिर चढ़े तो इनका इतना रुपया पड़ा था गिफ्ट में। आप 25 राउंड तक हंकते रह गए, पूरा प्रशासन रोकते रह गए, रोकिए यही लोग जाने दीजिए। हाँ। जितने घोड़ा है बुलेट गाड़ी दे, जितने गर्म होगा नहीं थकेगा नहीं, थकेगा नहीं, थकेगा नहीं, दौड़ते चला जाए। नहीं, यहाँ से घोड़ा आया हुआ था, उसी घोड़ा से हम लोग के अड़बस हो गया था, मतलब जिद्दी हो गया। 11 राउंड का रेस था, 11 राउंड के 7 राउंड में वो पीछे हो गया, लेकिन हम लोग कहें कि नहीं जितना दम है हाके जाए घोड़ा को, तो 1 लाख रुपया इनाम रखाया था। अच्छा एक बात बताइए, ये घोड़ा जो लेगा एक फॉर्चूनर भी ले सकता है उसके बदले में, घोड़ा क्यों लेगा? घोड़ा इसलिए देखिए, अब अपना अपना शौक है आदमी को। हाँ। बहुत सा है कि अब हम लोग देखिए पैंट शर्ट पहने हुए हैं, बहुत लोग धोती कुर्ता का शौक है। हाँ। तो चाहत अपना होता है ना। हाँ। हम लोग को इस तरह का सर्किल माहौल हो गया है, बिना घोड़ा का नहीं रह सकते हैं, मतलब बिना घोड़ा का आप रह ही नहीं सकते। नहीं, नहीं रह सकते। अगर 5 गजन फॉर्चूनर लगा दी। हाँ। तो कोई आदमी नहीं ताकेगा। हाँ। एक घोड़ा बांधे सारा आदमी भीड़ लग जाएगा, घोड़े पे देखेगा, घोड़े पर देखेगा, फॉर्चूनर पे कोई नहीं देखेगा। हाँ। करोड़ों पे घोड़ा पे भगवानी देन है, यदि ये पशु जिसके दरवाजा पे है इसको किसी तरह का दिक्कत यदि नहीं दीजिएगा आप, तो आपको भी परिवार में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो है वास्तु के हिसाब से सही माना जाता है, हिंदू सिंहरास है। हाँ। जाके देखिए इसका आंगनी लाल पर घोड़ी। सिंहरास का क्या मतलब है? जाके देखिए। सिंहरास का मतलब होता है बहुत लक्की, 1 लाख में 1 पीस मिलता है। अच्छा।
मतलब कहीं ना कहीं लाखों में एक है आपका घोड़ा। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिएगा सामने, देखिए जोड़ा हुआ है, देखिए ये जो है ना, मेला नहीं मिलेगा, ये भौड़ी नहीं मिलेगा। एक आध लाख घोड़ा देखिएगा तो ये आपको मिलेगा जोड़ा। जोड़ा है इसलिए सिंह है, ये करोड़पति नहीं, मालिक करोड़पति बना दिया है तब से, इसीलिए इसको बेचना माना है। करोड़पति बना दिया तभी तो 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। लक्की है, रियल में लक्की हम लोग के लिए बहुत है। हमको 25,000 मिलता है तनख्वाह। अच्छा, आपको 25,000 तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह एक हजार चार्ज है इनका। अच्छा, बहुत ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, कम होता है सर? बना तो भी देते हैं घोड़ा के, यहाँ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि 20 घोड़ा बन के गार के आ जाते हैं, झंडा गार कहते हैं, रहता है कि सुल्तान को लेके जाएंगे, चैलेंज आता है कहीं जाएंगे तो। सुल्तान आपका बात मानता है? एकदम मानता है। एक हाथ में लगाम देंगे, फ्री कर देंगे, लेकिन उतना खाली बस कहेंगे तो ग्राफ से संभालिए, तुरंत घूमेगा फिर हमें तैयारी। घोड़ा जो है बात कहीं ना कहीं मानता है, जा रहे हैं कतरो स्पीड में, खाली बोल दें कि बस बेटा, कि वही से घूम कर हमारी तैयारी, अपना देश संभालिए। वो आदमी से ज्यादा बात समझता है, आदमी से ज्यादा बात, वफादार भी है ये मालिक के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सुल्तान की कहानी है, राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान देख सकते हैं, यही है जो सोनपुर मेला में अभी आ चुका है, घोड़ा बाजार में लगा हुआ है, शान से खड़ा है। अच्छा, आपको अपने घोड़े को लेकर पूरे मेले में जितना भी घोड़े हैं, क्या दाव ठोकना चाहते हैं अपने घोड़े को? नहीं, ये तो दावा नहीं ठोक सकते हैं, ये नहीं, धरती जगह जगह जब होता है, माए का लाल बहुत सब पुत एक से एक है ना, लेकिन समय और नसीब अपना अपना ये होता है। अभी को लेकर क्या लगता है, अभी जितने घोड़े आए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? अभी तो अब 3 साल से यहाँ रेस ही नहीं करा रही है, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जो है रेस नहीं करा रहे हैं, 3 साल हो गया है। रेस हो तब तो पता चलता है, कोई भी जीतता है तो उसको बधाई देना ही पड़ता है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं हार जीत जो है खेल का नियम होता है, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं घोड़ा है, और सुल्तान से मिलवाया मैंने आपको, बिहार के सुल्तान जो कि 22 रेस जीत चुका है। और बहरहाल घोड़ा कैसा लगा आपको कमेंट से लिखेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।